वेलकम बैक फ्रेंड, मैं नंद श्रीवास्तव आपके यूट्यूब चैनल इंडलस स्टडी सेंटर पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो एडेड जूनियर विद्यालयों में वैकेंसी आने वाली थी, तो इससे रिलेटेड आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि यह वैकेंसी कब आएगी, किस न्यूज़पेपर में पब्लिश होगा, तो इससे रिलेटेड मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जो कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए और इससे संबंधित अपने व्हाट्सएप या एफबी ग्रुप में शेयर भी किया करिए। तो फ्रेंड, मैं आपको बता दूँ कि ये जो जूनियर विद्यालय में वैकेंसी आने वाली है, इसके लिए अनुमोदन मिल चुका हुआ है और इसके जो सचिव हैं उनसे भी उनका भी आदेश जारी हो चुका है। इससे रिलेटेड मैं 2-3 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें एक वीडियो में मैंने आदेश की कॉपी दिखाई हुई थी आप लोगों को और 1-2 वीडियो और थे जिसमें मैंने बताया हुआ था कि अब जो है वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँ, इस वैकेंसी का कोई फिक्स डेट नहीं है। हर ज़िले में वैकेंसी रहेगी और हर ज़िले में जितने भी प्रबंधकीय विद्यालय हैं यानी एडेड विद्यालय जितने हैं, अगर उन विद्यालयों में पोस्ट खाली है, ठीक है, तो वो बीएससी को पोस्ट को अनुमोदन के लिए भेजेंगे और बीएससी ने जैसे उस पोस्ट को अनुमोदित कर दिया, वो एक न्यूज़पेपर में गजट कराएंगे। दो मतलब न्यूज़पेपर में गजट कराना नहीं अनिवार्य है, जो कि एनसीटीई का रूल है। एक जो है प्रदेश स्तर पे न्यूज़पेपर होना चाहिए, उसमें गजट कराना है, और दूसरा एक लोकल न्यूज़पेपर है उस ज़िले का, उसमें ये इस न्यूज़ को गजट कराना है कि मेरे यहाँ इस सब्जेक्ट की वैकेंसी खाली है और आपसे आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसके लिए कोई एक फिक्स डेट नहीं है, और सेकंड बात मैं बता दूं, इसके लिए कोई ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है, और इसके लिए ये कोई अनुमानित डेट नहीं है कि इस डेट से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, जैसे आम वैकेंसी में होती है। और अगर परिषदीय विद्यालय में वैकेंसी आती है तो उसमें ये सारी प्रक्रिया रहेगी ऑनलाइन से रिलेटेड, लेकिन ये प्रबंधकीय विद्यालय है तो इन विद्यालयों में फिक्स डेट पे कोई भी वैकेंसी फुलफिल नहीं होगी, वो अपने हिसाब से किया करते हैं। मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट में आज उन्होंने अनुमोदन दिया है, अनुमोदन करने के लिए पोस्ट को दिया हुआ है, तो जैसे ही बीएससी का अनुमोदन प्राप्त होगा तुरंत उनके यहाँ वैकेंसी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। कोई प्रबंधकीय विद्यालय मैनेजमेंट 1 महीने बाद अगर देता है तो 1 महीने बाद प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो ये सारी प्रक्रिया है, इसमें बहुत ज़्यादा डिले होता है, लेकिन यह है कि प्रयास करने में कुछ को नहीं जाता है, और मैं आप लोगों के पेशेंस को समझ सकता हूं जिन्होंने सारी एलिजिबिलिटी अपने पास रख रखी हो। जैसे इसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो बीएड और टीईटी है या सीटेट आप क्वालिफाई हैं तब भी आप इस एप्लीकेशन के लिए योग्य हैं। तो मैं आप लोगों की भावनाओं की कद्र करता हूँ, ठीक है, और मैं पेशेंस भी आप लोगों के समझ सकता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का ऐसा कह लीजिए कि हम लोग इस प्रकार इस परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, तो इस पर मैं ज़्यादा खैर डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। और फिर अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये वैकेंसी कैसे हम लोगों को पता होगी। तो देखिए, इस वैकेंसी को पता करने का 2 ही माध्यम है। पहला माध्यम ये है कि न्यूज़पेपर आप डेली विजिट किया करिए, और सेकंड जो है माध्यम इसका, आप यस उस विद्यालय के संपर्क में हो जिस विद्यालय में वैकेंसी खाली हो, या आपके जानने वाला कोई उस विद्यालय में हो जो आपको रिपोर्ट कर सकता हो या आप उससे जानकारी ले सकते हैं। और थर्ड एंड लास्ट तो मैं तो खैर हूँ ही, ठीक है ना, मेरे द्वारा जितना संभव हो पाएगा मैं आप लोगों को अपडेट करने की कोशिश करूँगा, और इस वैकेंसी पर भी मैं पूरी नज़र बनाए रखा हूँ, ठीक है ना। तो जहाँ से मुझे कोई अपडेट मिलेगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँगा, लेकिन मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग खुद जागरूक होइए और न्यूज़पेपर वगैरह डेली विजिट किया करिए तो आपको वैकेंसी मिल जाएगी। क्योंकि लोग ये करते हैं, मैनेजमेंट लोग, कि बहुत कॉर्नर में छोटा सा कहीं पब्लिश्ड करवाते हैं, तो आप लोग न्यूज़पेपर को ध्यान से रीड किया करिएगा। और कुछ कैंडिडेट हमारे, कुछ यूट्यूब मेंबर हमारे बात कहते हैं कि इसमें पैसे की धांधली है या जो भी चीज़ें हैं एक्सेट्रा, तो मैं इस चीज़ पे सॉरी, मैं कमेंट ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा ना ज़्यादा डिस्कस कर पाऊँगा। मैं आप लोगों की सारी बातों से सहमत हूँ, लेकिन दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का यदि कोई हमें मौका मिल रहा है तो उसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है, अपना काम करना चाहिए, अपने कर्म को करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ डिटेल्स थी, तो इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है दोस्तों, और आप लोगों के कमेंट जो मुझे मिलते हैं, और थोड़ा सा व्यस्तता के कारण मैं रिप्लाई भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो जिन लोगों के मैसेज को मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ उसके लिए मैं मतलब क्षमा याचित हूँ एक तरीके से, और आगे से प्रयास करूँगा कि सारे लोगों के कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करूँ। तो आज के लिए बस यही था बताने के लिए,
कि विज्ञापन की कोई फिक्स डेट नहीं है। विज्ञापन किसी भी डेट में पब्लिश हो सकता है, क्योंकि हर स्कूल का अपना अलग अलग अनुमोदन कराने का डेट होगा, तरीका होगा। तो इसके लिए आप बस एक ही माध्यम है न्यूज़पेपर। बाकी प्रसिद्धीय विद्यालय की जैसी कोई वैकेंसी आएगी उसमें पूरी डेट होती है और सारी चीज प्रक्रियाएँ होती हैं, उसके लिए भी प्रोसेस हो रहा है गवर्नमेंट में। तो जैसे भी कोई आगे न्यूज होगी मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। आज के लिए बस यही अपडेट थी। कोई भी अगर क्वेश्चंस हो या क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिए, मैसेज करिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए पूरा पूरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, थैंक यू।